श्री स्वामी नारायण संत परंपरा, निर्लोभ, निष्काम, निस्वाद, निस्नेह और निर्माण, यह पंच व्रत का पालन और भगवान श्री हरि की भक्ति करना वो ही संत का लक्षण है। यह पंच व्रत युक्त संतों की एक विशिष्ट परंपरा की भेंट देकर सर्वावतारी भगवान श्री स्वामी नारायण ने समाज में एक अद्भुत क्रांति की है। अक्षराधिपति भगवान श्री स्वामी नारायण ने मानवी को मंदिर एवं स्वयं स्थापित अपने ही अवतार स्वरूप तथा अपने ही पवित्र कुल में स्थापित की हुई आचार्य परंपरा की अनमोल सौगात दी है। परंतु करुणा सागर भगवान श्री हरि की करुणा मनुष्यों पर हमेशा बरसती रहती है। इसके प्रमाण रूप श्री हरि ने अपने द्वारा दीक्षित एवं आचार्य श्रीयों से दीक्षा को पर्याप्त किए हुए मोक्ष के हेतु रूप संतों की अवर्णनीय भेंट दी है, जिनके माध्यम से वर्तमान समय में भी असंख्य जीवात्माओं को मोक्ष मार्ग प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री स्वामी नारायण ने पृथ्वी पर लुप्त हो चुके सनातन धर्म की पुनः स्थापना हेतु एकांतिक धर्म को प्रस्थापित करने का एक महा अभियान चलाया, जिसके अनुसंधान में उन्होंने समर्पित परमहंसों को मुख्य माध्यम के रूप में प्रयोग किया। इस क्रम में उन्होंने कवि एवं साहित्यकार संतों को संप्रदाय के लिए काव्य साहित्य की रचना करने, संगीतकार संतों द्वारा भक्ति पदों एवं संगीत की रचना करने की प्रेरणा दी तथा भक्तों अनुयायियों को उपासना तथा भक्ति की सुविधा हेतु भिन्न भिन्न स्थलों पर भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। इस नंद संत परंपरा के मोक्षदायी सत्कार्यों की परंपरा को प्रवाहित करते वर्तमान समय में तीर्थधाम सरदार के प्रणेता सद्गुरु स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी के तत्वावधान में कनक कामिनी के सच्चे त्यागी पंचव्रत युक्त 110 से भी अधिक संतों की संख्या का मंडल सरदार भावनगर, महुआ, वल्लभ विद्यानगर, सूरत, डोंबिवली मुंबई और जगन्नाथपुरी उड़ीसा के मंदिर में निवास कर भगवान श्री स्वामी नारायण के मोक्षदायी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज गांव से लेकर विश्व भर में स्वामी नारायण सत्संग और समाज उत्कर्ष का युग कार्य कर रहे हैं। श्री हरि के सर्वजीव हितावह संप्रदाय के विकास एवं सत्संग प्रचार की अद्भुत प्रवृत्तियों के साथ नवयुवा संतों, संगीत, चित्रकला, संस्कृत, इंग्लिश और कंप्यूटर शिक्षा पाकर वे सभी सामाजिक उत्थान के कार्य करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।